हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज 12 तारीख है और आज देखेंगे आप निफ्टी में, तो आपको देखेंगे 237 पॉइंट की बढ़त मिली है आपको। मैंने कल ही आपको बोला था कि निफ्टी जो खुलेगा कल वो आपको प्लस में ही मिलेगा, और आपको मैंने SGX निफ्टी का भी आपको दिखा दिया था। इसलिए तो आज देखिए अच्छा खासा मार्केट में आपको बढ़त मिला हुआ है। आज का एडवांसेस देखेंगे तो 46 शेयर्स जो एडवांसेस में है वो 4 जो है डिक्लाइन में है। इसमें जो जो टॉप गेनर है वो है मारुति, बजाज फाइनेंस, आइसर मोटर, महिंद्रा महिंद्रा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये लोग टॉप गेनर। आज मारुति ने अच्छा काम किया, आइसर मोटर देखे तो कमाल कर दिया, ये सब आज ह्यूज वॉल्यूम के साथ भी ट्रेडिंग किए हैं। और देखिए क्या क्या गेनर है। और आज का जो लूजर थे वो TCS थे, HCL टेक थे, डॉक्टर रेड्डी और टेक महिंद्रा, ये मेन लूजर थे। और अगर मैं बात करूँ कि इंडिसेस की बात करूँगा कि इंडिसेस में क्या रहा है आपका, तो इंडिसेस देखेंगे तो आप देखेंगे केवल अगर सारे सेक्टर आप चाहे देख लीजिए, कोई भी सेक्टर, और सेक्टर वाइज में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एक्सेप्ट IT सेक्टर में आपको थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। ये देखिए जो निफ्टी IT में 0.92 की गिरावट आ रही है, बाकी बैंक देखिए, ऑटो देखिए, सारे सेक्टर ने अच्छा 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 परसेंटेज रिटर्न दिया। सबसे ज़्यादा मेटल ने दिया 3.98 का रिटर्न दिया है, और रिलेटिव ने भी अच्छा रिटर्न दिया 3.40। तो कोई भी सेक्टर 2% से नीचे का रिटर्न नहीं दिया है। तो आज अच्छी खासी मार्केट में आपको देखने को मिली है कि क्या अच्छी बढ़त थी। और अगर निफ्टी 50 को जा करके देखें अगर, तो आप देखिए कौन कौन से शेयर बढ़े हुए हैं। आपको पहले ही बता दिया कि 46 शेयर जो थे इसके स्क्रिप्ट थे निफ्टी 50 के, वो बढ़े हुए थे और 4 डिक्लाइन थे। आप देखिए बढ़त वाले शेयर कैसे कैसे सारे देखिए यहाँ पे, तो सारे शेयर में देखें तो अच्छी खासी बढ़त थी, कुछ में ही गिरावट थी। यहाँ पे आप देखिए जिसमें टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, HCL टेक और TCS, ये 4 में ही गिरावट थी, बाकी सब में बहुत अच्छी बढ़त थी। मारुति ने तो आज कमाल कर दिया। मारुति ने जहाँ ओपन 6950 पे किया, वहीं पे हाई इसने 7300 को बनाया और 7300 पे क्लोजिंग भी दी है। तो मारुति इसका मतलब है कल भी अच्छे ट्रेंड को दिखाने को कंटिन्यू आगे के दिनों में। आज एक ही दिन में 427 पॉइंट की बढ़त दे दी इसने। बजाज फाइनेंस सेकंड में आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस है 5.73% के चेंज के साथ। उसके बाद देखेंगे तो आइशर मोटर 5.5, 1243 पॉइंट का गेन एक दिन में आपको मिला आइशर मोटर पे। महिंद्रा महिंद्रा भी अच्छा दिखाया। ये कुछ टॉप गेनर थे इसके यहाँ पे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, JSW, आप देखेंगे तो ये सब सब टॉप गेनर है। और अगर आप, मैं आपको निफ्टी के चार्ट को भी दिखाऊँ तो आपको दिखेगा कि ये देखिए आज ये जब निफ्टी ने 10329 पे ओपनिंग की, जबकि कल की क्लोजिंग क्या थी, कल की क्लोजिंग थी 10234। देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में टॉप पे, देखिए आपको 10234 का क्लोजिंग दिख रहा होगा। तो आज देखिए ओपनिंग ही गैप अप हुई थी, जैसा मैंने आपको कल ही बताया था, ओपनिंग गैप अप हुई। और आप एक चीज बताऊँ आपको, ओपनिंग जो 10329.50 की थी वो उसका लो था, मतलब वो फिर से वापस उसको रिवर्ट करके नहीं देखा, और क्लोजिंग उसने जो हाई बनाई 492 वहीं पे क्लोजिंग भी कर दी उसने। अगर आप इसके आवरली चार्ट को देखें तो आप देखिए कि क्या आज ट्रेंड चल रहा था। जब ओपन हुआ मार्केट उसके बाद वो डाउन दिखाने को तैयार ही नहीं था। ये देखिए यहाँ ओपनिंग हो रही है, यहाँ के बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ थोड़ा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर रहा था, फिर इधर चला गया। मीन्स ये आप देखेंगे अगर यहाँ से, तो आप देखिए अगर इसकी एक ट्रेंड चार्ट बनाया आज के लिए, ट्रेंड लाइन बनाओ, तो ये देखिए आज की ओपनिंग होने के बाद वो कहाँ जा रहा है, लास्ट में जाकर के रुक गया है। तो मतलब आप ये अपवर्ड दिख रहा है आपको, क्या सॉलिड अपवर्ड है यहाँ से, तो इस तरह से ये अपवर्ड फॉर्म किया है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत ही बढ़िया आपको लग रहा है आज का दिन था। और इतना ही अच्छा दिन आपको मंडे को भी रहने वाला है, ये भी श्योर है। जैसे मैंने कल श्योरिटी दी थी, आज भी श्योरिटी देता हूँ, भले ही पेपर ट्रेडिंग के लिए एजुकेशनल पर्पज से है, लेकिन श्योरिटी और कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ होता है जहाँ से आपको लगता है कि जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा असेसमेंट है, वो सही चल रहा है। हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं शायद मार्केट भी उसी डायरेक्शन में सोच रहा है। आज की SGX निश्चित देखिए, जस्ट मैंने आपके लिए खोल के भी रखा हुआ है, इसे ओपन करके रखा है, आज 10503 पे बता रहा हूँ, इसने भी आज 10.24 पॉइंट की बढ़त के साथ ये दिखा रहा है। तो आप समझिए कि आपको आज भी SGX निफ्टी 500 के प्लस दिख रहा है, तो जब हमारा इंडेक्स, जब हमारा 500 क्रॉस करेगा, जब अपनी इंडेक्स क्रॉस करेगी, 500 को क्रॉस करेगी,
तो आपको वहाँ पे 10472 पे क्लॉस है। तो मोस्ट वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा प्रेडिक्शन कहता है ये 500 प्लस गैप अप ओपनिंग करेगी और ये 650 की ओर बढ़ना चालू करेगी, तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखेगा और बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पे काम करने को मिलेगा। आज मैंने एक और कॉल भी आपको दिया था यूनाइटेड स्पिरिट का, अब यूनाइटेड स्पिरिट देखेंगे तो ये आज इसने ओपन तो ओपन 502 पे किया, फिर लो इसने अपना 400 यहाँ पे जो बनाया इसने 497 का बनाया, बट देखिए ये हाई कितने का बनाया 521 का। मैंने आपको 540 का कॉल दिया था और बोला था उसमें स्टे करने के लिए, निकलने के लिए नहीं बोला था, वो 7 रुपये पर आपको मिला होगा। 1250 का लॉट था, मैंने 8400 आपको रुपया लगा होगा, तो आपको 8500 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आज ही उसने 19 रुपये का गेन दिया है, मतलब समझिए आज ही आपने डबल से ज़्यादा का, क्लोजिंग भी 12 रुपये पे है। तो आप इस निकलना नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आप निकल जाना है, ये आपको यहाँ से 650 रुपये तक जाने का दम लगता है। आप देखिए इसका गेन, ये सेंटीमीटर देखिए, ये सेंटीमेंट क्या बताता है, अभी भी लोग यहाँ बाइंग बता रहे हैं, तो सोचिए कितने गेनफुल चीज़ है ये। और ये पूरे दीपावली में ये आपको रन वे दिखाएगा वन साइड, तो अभी भी मैं बोलूँगा जिससे बने हैं बने रहिए 540 500, अगर कोई नहीं बने हैं और लगता है उनको कि उसमें नहीं रहा माने कि ज़्यादा है, तो आप उसके लोअर कॉस्ट पे भी जा सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट का अगर देखें तो आप यहाँ पे देखिए, अगर चाहें तो आप 540 का कॉल देखिए क्लोजिंग हुआ है, आपको लाभ 1270 में क्लोजिंग हुआ है, आज 5.70 रुपये 570 का गेन है, और ये लॉट साइज जो है ये 1250 का लॉट साइज है। तो सारे पोजीशन आप देखेंगे तो यहाँ ये प्लस की ओर बन रहा है सब चीज़, और सबसे ज़्यादा पोजीशन आपको यहाँ पे दिखेगा 560 में और 600 में। अभी भी कोई चाहे तो 560 का बनाता है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस 750 है, या 570 का बनाता है तो 4 रुपये पे, तो 570 पे अब आज का और बिड तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको 835 का बिड मिल रहा है। तो आप या तो यहाँ पोजीशन बनाइए, और अगर एकदम कम रिस्क लेना है तो 270 का आप 600 का लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब 270 का भी लीजिए, ये भी आपको गेन देके जाएगा। हाँ, वो गेन नहीं देगा जो गेन आपको 540 को लेने से मिलेगा, बट अगर आपको सिंपल पेपर ट्रेडिंग करना है तो आप एक बार ट्राई कीजिए 600 के कॉल को लेकर के देखिए, 270 में आपको मिल रहा है ऑफर है, तो आप अगर इसको 270 में लेते हैं तो आपको 12×24 32×36 3500 का इन्वेस्टमेंट आपको लगाना है। एक बार मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कितना लगेगा, 1250×2.70 तो आपको 3375 रुपये लगेगा, तो 3400 रुपये लगा करके आप यहाँ से कम 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। क्या सॉलिड स्क्रिप्ट है ना, ऐसे स्क्रिप्ट में लाने हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको मैं निफ्टी पे वापस लेके चलता हूँ, और अगर मैं आपको निफ्टी पे दिखाऊँ कि निफ्टी का क्या है, इसका ये है इंडेक्स है, तो आपको वापस मैं निफ्टी पे लेके चलता हूँ। तो निफ्टी में आज क्या देखने को आपको मिल रहा है, वापस आप सारे निफ्टी में प्लस पॉइंट, याद रखिए मैंने आज निफ्टी का कॉल भी आपको सुबह दिया था, और ये 10500 का कॉल दिया था आपको मैंने, और ये 10500 का कॉल मैंने आपको बोला था ये 50 से 55 रुपये के आसपास मिल रहा था, तब मैंने आपको बोला था इसको बाय करने के लिए। और अब आज देखिए, अभी इसकी क्लोजिंग 125 65 पे हुई है, तो जिसने भी इसको लिया होगा, डबल का चैलेंज था, तो 10500 का कॉल जिसने भी लिया होगा वो आज अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बनाया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे हर समय बोलता हूँ कि इसकी क्लोजिंग 10800 से ऊपर होनी है, तो आप चाहिए आपके अनुसार जितना आपके पास पैसा है, अगर आपको लगता है कि पैसा कम है तो 10800 की बिड कीजिए, 10800 की पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जो आपको आराम से इसमें 29 रुपये पर मिल जाएगा, 29 से 30 रुपये पर मिल जाएगा, आपको फिर भी गेन देके जाएगा। अब इससे 10800 से नीचे लेने में क्या है, रियलाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, 10800 से आप नीचे जाएंगे तो हो सकता है कि कम वैल्यू मिले आपको, पर 10800 तक आपको मुझे लगता है कि प्रीमियम मिलना चाहिए, और ये 10800 भी हो सकता है कि यहाँ से 60-70 रुपये तक तो ज़रूर चला जाएगा, तो आप 10800 की ट्रेडिंग भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आज चलिए निफ्टी की अगर एनालिसिस करें तो आज क्या फॉर्म कर रहा है, तो आज 11 आज भी सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 47,81,000 का, मतलब 47 लाख की वॉल्यूम आपको यहाँ पे है 10-11 हज़ार पे। फिर सबसे ज़्यादा हाइएस्ट वॉल्यूम, इससे ज़्यादा वॉल्यूम तो कहीं दिख नहीं रहा है, और अगर हम पुट की ओर देखें तो कहीं 8,10,11,12,00,000 ऐसे ही है, 21 लाख के सबसे 11,000 में ही है, और लोवेस्ट अगर देखें यहाँ पे तो 10,400 पे,
तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो नीचे की ओर था 10-200 की ओर था वो अब शिफ्ट होकर के ऊपर की ओर आ रहा है। और अब जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है 21 लाख का 10-300 पर, 21 लाख का 10-400 पे, तो पुट अब शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ रहा है 10-100, 10, तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे 10-400 की ओर है। तो मेरे अंदाज से 10-300 और 10-400 जो है ना अब सपोर्ट बन जाएगा इसका, और इससे नीचे तो जाना ही चाहिए। फिर भी आप देखेंगे 10,000 तक भी यहाँ पे वॉल्यूम एडिशन, आज यहाँ पे राइटिंग तो हुई है 4,25,000 की शेयर की पुट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दीजिए जितनी पुट की ओर होनी रही है। और आप देखेंगे कॉल में यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, 10,600 तक की अनवाइंडिंग चल रही है, 10,700 पे सबसे ज़्यादा आज कॉल की राइटिंग हुई है। तो इसके अनुसार अगर चले तो यहाँ पे तो जो प्रेडिक्शन दिख रहा है कि हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अनुसार अगर अपन चलते, क्योंकि यहाँ पे कॉल पे सब जगह अनवाइंडिंग हो रही है, और यहाँ पे जो आप पुट की ओर देखेंगे तो राइटिंग हो रही है, 6,01,000 का 10,400 पे हो रहा है, 10,300 पे 5,76 हो रहा है, 10,200 का 4,81 हो रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट में उनको डर हो कि ये शायद फिर से यूएस गिरे और फिर से ये नीचे की ओर एक बार दिखाए, लेकिन मैं इस प्रेडिक्शन को मानने को तैयार नहीं हूँ कि अब ये वापस पुट की ओर, तो अभी तो टाइमिंग तो नहीं दिखेगा, कुछ दिन के लिए तो ये आपको अब दिखाएगा। और 10,800-700 हो सकता है, 500 पे रेसिस्टेंस है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे 10,400-10,300 पे अपना पोजीशन बनाना चालू किया, वो बहुत टाइम क्रॉस नहीं कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जब मंडे गैप अप ओपनिंग मिलेगा तो 500 क्रॉस करके ही मिलेगा, तो आपको अपने आप या अपसाइड चला जाएगा, तो आपको अपने आप फायदा हो जाएगा वहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही, 12 तारीख के लिए वीडियो के लिए, मंडे वेट करेंगे, फिर से मिलेंगे हम लोग ये सारे एजुकेशनल पर्पज से। यार अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लें, ये मेरा डिस्क्लेमर है। धन्यवाद।